नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो से तीन ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसमें से कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। रिलायंस इंफ्रा की तेज़ी में आप लोग फंस मत जाना। इस कंपनी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ एक छोटी सी कंपनी जिसका कि शेयर प्राइस लगभग 22 रुपीज़ के आसपास का है। इस शेयर के अंदर जो है, इस कंपनी के अंदर 615 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी करने वाली है। आज की डेट में इस कंपनी के अंदर 100% डिलीवरी ख़त्म हो गई। यकीन नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो प्रूफ भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन से। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 100% यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, तो देख लीजिए कितने शेयर इस कंपनी के आज की डेट में ट्रेड हुए थे। 230,649 शेयर। और आप लोग देखेंगे डिलीवरेबल क्वांटिटी, तो 230,649 शेयर यहाँ पे डिलीवरेबल थे और 100% डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई। यानी कि खरीदने वालों की यहाँ पे लाइन लगी रही, बेचने वाला कोई रहा नहीं। इसीलिए हर कोई शेयर को आज की डेट में खरीदना चाहता था, इस छोटे से शेयर को। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी का नाम है सेटको ऑटोमोबाइल लिमिटेड, जहाँ पे कि आज की डेट में लगभग 10% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा, और ये शेयर लगभग 22 रुपये और 25 पैसे पे क्लोज हुआ है। आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंपनी एक पैनी शेयर इतना ज़्यादा क्यों भाग रहा है, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 297 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े पैसे फंसाना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। चलिए जान लेते हैं कि कंपनी ने पिछले 2 से 3 साल में किस तरह के रिटर्न दिए हैं। जहाँ शेयर मार्केट अपनी नई ऊंचाइयाँ छू रहा है, इस शेयर के अंदर आप लोग देखेंगे तो 2019 के बाद गिरावट का माहौल था, और ज़्यादा रिकवरी 2020 के बाद यहाँ पर हुई नहीं है। पिछले 2 ट्रेडिंग डेज में, टुडे एंड यस्टरडे, जब ये न्यूज़ बाहर आई है कि कंपनी के अंदर 615 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके बाद ये शेयर अपने नए ऊंचाइयों पे जा रहा है और अपर सर्किट यहाँ पे लग रहे हैं। कंपनी का नाम है सेटको ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ऑटोमोटिव लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंपनी करती क्या है, क्लचेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। आप लोग मेनली इस कंपनी का पर्पस देख लीजिए कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड है कंपनी। इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस कंपनी के अपने ब्रांचेज हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में, साथ ही साथ पेरिस में। तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है फॉरेन में, लेकिन क्या कंपनी में यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है? तो पहले तो मैं न्यूज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंडिया रिसर्जेंस फंड, जी हाँ दोस्तों, जो कि पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा प्रमोट किया जाता है, प्रमोटेड है पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में, पीरामल ग्रुप के बारे में आप लोग दोस्तों जानते होंगे। इन्होंने ट्यूसडे को ही ये अनाउंसमेंट किया था कि 615 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, किसमें? सेटको ग्रुप में, और सेटको ग्रुप की ही कंपनी है सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड। अब इस डील में इतने अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड के अंदर? तो सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड जो कंपनी है, यही अपने शेयर जो है ट्रांसफ़र करने वाली है एक नई एंटिटी के अंदर, जिसका नाम रहेगा सेटको ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और इसीलिए इस कंपनी के अंदर अच्छे खासे अपर सर्किट लग रहे हैं, क्योंकि 35% इक्विटी शेयर इसमें किसको मिलेंगे? पीरामल ग्रुप को मिलेंगे, जो उनका फंड है वहाँ पे उसको मिलेंगे। 35% इक्विटी स्टेक के बदले ही वो ये पैसे इनको दे रहे हैं, 615 करोड़ रुपए। अब ये 615 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस छोटी सी कंपनी के लिए। मैं कहता हूँ ऑटो एंसिलरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जो चलते रहना है, लेकिन छोटी कंपनी है, पैनी शेयर है, तो मेरा कहना ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और वैसे ही कंपनी अपर सर्किट में है, तो अपर सर्किट में आप लोगों को फंसना नहीं चाहिए। जब यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तो नॉर्मल ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग 100% होती ही होती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप लोग लोअर लेवल पे शेयर्स को
ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी न्यूज़ में आप लोगों को बताने वाला हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से रिलेटेड। रिलायंस इंफ्रा ये जो कंपनी है, अनिल अंबानी जी की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि नाम से पता ही लग रहा है आप लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये कंपनी काम करती है। आज की डेट में यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा और जो शेयर है 74 रुपीज़ के आसपास ये शेयर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा क्यों हुआ इस कंपनी के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में रिलायंस इंफ्रा ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो किसी ज़माने में ये 2000 रुपये के ऊपर का शेयर हुआ करता था, लेकिन गिरते चला गया और आज की डेट में बहुत नीचे ये शेयर गिर चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2000 करोड़ रुपये के आसपास का है। तो कंपनी ने आज की डेट में एक बहुत बड़ा फैसला कोर्ट ने इनके पक्ष में सुनाया, इनके बेनिफिट में सुना दिया और हाँ, रिलायंस इंफ्रा यहाँ पे विन कर गया $632 मिलियन का आर्बिट्रेशन। अब सोच लीजिए, ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, $632 मिलियन आर्बिट्रेशन अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो इन्होंने फाइल किया था, जिसमें कि इनको जीत यहाँ पे मिल गई है। और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, 4 साल से लगभग, मैं बताना चाहूँगा 4 साल से जो है यहाँ पे ये बैटल चल रहा था दिल्ली मेट्रो एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच। इन दोनों ने जॉइंटली मिलके एक काम करना था, प्रोजेक्ट करना था, लेकिन रिलायंस इंफ्रा ने एक सूट फाइल किया था दिल्ली मेट्रो के अगेंस्ट में कि दिल्ली मेट्रो जो है सही से इस डील को काम में नहीं ला रही है, और इसी वजह से इन्होंने ये फाइल किया था रिलायंस इंफ्रा ने, जिसमें कि अभी आज के दिन यहाँ पे कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद जो है रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स में 5% के अपर सर्किट आप लोगों को आते हुए देखने के लिए मिली। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तेज़ी में आप लोगों को फंसना नहीं है, क्योंकि छोटा शेयर है, डेट इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा है, कंपनी कभी भी मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी गड़बड़े यहाँ पे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस कंपनी के अंदर आप लोगों को कोई भी फ्रेश पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भले ही यहाँ पे पैसा बन रहा हो, अपर सर्किट लग रहे हों, लेकिन आप लोगों को अवॉइड ये कंपनी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट जियो, रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो के बारे में बताना चाहूँगा, रिलायंस जियो ने तो धमाकेदार खबर यहाँ पे दी है। आप लोग देख ही रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है अपने न्यू 52 वीक के हाई बना रहा है लगातार। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड ये कंपनी इंडिया में ब्लू स्मार्ट के साथ इस कंपनी ने जो है पार्टनरशिप कर ली है। जियो बीपी पार्टनर्स विद ब्लू स्मार्ट टू सेटअप ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। सोच लीजिए, अब आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकालना शुरू कर दिया इंडिया में, MG हेक्टर हुआ और सारी कंपनियां, इवन सारी कंपनियां जितनी भी ऑटो से रिलेटेड कंपनियां हैं, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकाल रही हैं। तो चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए, तो कौन बनाएगा? यहाँ पर रिलायंस की जियो ने पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, अक्रॉस द कंट्री, और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन भी होगा और कंजम्पशन होगा तो लोगों को चार्ज करनी होगी अपनी गाड़ियाँ, और चार्ज करनी होगी तो इन कंपनियों को फ़ायदा यहाँ पे होगा। जी हाँ दोस्तों, इन कंपनियों को फ़ायदा यहाँ पे होगा। तो इस डील के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ब्लू स्मार्ट जो कि इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि एक कमर्शियल लार्ज स्केल पे ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू स्मार्ट आप लोग सर्च कर लीजिएगा, यानी कि इंडिया के अंदर अगर बड़े स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कोई कंपनी बना रही है तो वो है ब्लू स्मार्ट। और इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो एंड बीपी, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली है। बहुत बड़ी बात है, पार्टनरशिप जाके बहुत आगे जा सकती है और बहुत बेनिफिट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप लोगों को पता है इतनी दिग्गज कंपनी है, इंडिया की नंबर वन कंपनी है। ये कंपनी देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि सभी के पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए, इतना दिग्गज ये शेयर है। आज की डेट में 2424 रुपये पे ये शेयर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और ऐसा शेयर है, अगर ये अप जाता है तो शेयर मार्केट को भी ऊपर खींचने का दम रखता है, और नीचे आता है तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को नीचे गिराने का दम ये शेयर रखता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़
लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में यही तीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी थी, रिलायंस इंफ्रा के बारे में, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड के बारे में और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की डील के बारे में। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।